विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपकी पुस्तक भारत की खोज, इसका जो पाठ है अंतिम दौर, उसके अभ्यास के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन में भारत की स्थिति कैसी हो गई थी? तो अंग्रेजों के शासन में भारत की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी। भारत ब्रिटिश राज का औपनिवेशिक तथा खेतिहार पुछल्ला बन गया था। अंग्रेज भारतीय किसानों से खुद लाभ कमाने वाली फसलें उगवाते थे। कैपिटेशन चार्ज क्या है, इस चार्ज को कौन देता था? भारतीयों को इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से कहिए प्रशिक्षण का खर्च वहन करना पड़ता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। इस चार्ज को भारतीयों द्वारा वहन किया जाता था। शिक्षा के प्रचार को ना पसंद करने वाले अंग्रेजों को भारत में शिक्षा का प्रचार क्यों करना पड़ा? भाई, अंग्रेज शिक्षा के प्रचार को नापसंद करते थे, फिर भी भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उनकी व्यवस्था थी। वे भारत में पाश्चात्य संस्कृति को फैलाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें अपने कार्यों के लिए कलरक भी चाहिए थे या कलरक भी तैयार करने थे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के विचारों से भारत का एक सीमित वर्ग ही क्यों प्रभावित हुआ? तो यूरोप के विचारों से भारत का एक सीमित वर्ग ही प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को यूरोपीय या यूरोप की पृष्ठभूमि से बेहतर समझता था, इसलिए भारतीय उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा क्या है, इससे रोकने में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? प्राचीन काल में किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके शव के साथ उसे जिंदा जला दिया जाता था, इसे सती प्रथा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने इसे रोकने के लिए आंदोलन किया, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सन 1857 के विद्रोह का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई, सन 1857 के विद्रोह से भारतीय जनता में विदेशी भावना प्रगाढ़ होने लगी। हिंदू और मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति एकजुटता से मुकाबला करने की भावना बढ़ी। प्रश्न नंबर 7 है, 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं हो सका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह के लिए जो तिथि निश्चित की गई थी, उसका खुलासा समय से पूर्व हो गया। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए। इसके अलावा सभी जमींदारों, सामंती सरदारों आदि ने इसमें भाग नहीं लिया। लक्ष्मीबाई कौन थी, उनके बारे में, ये है ना भाई, है नहीं आएगा, नहीं आएगा, उनके बारे में अंग्रेज जनरल ने क्या कहा है? लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी, वह वीरांगना थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़वाए। उनके बारे में अंग्रेज जनरल का कहना था कि लविद्रोहियों, ये ना भाई, लविद्रोहियों नहीं, लय नहीं आएगा, केवल विद्रोहियों आएगा। विद्रोहियों में वह सबसे बहादुर और सर्वोत्तम थी। तकनीकी परिवर्तन और शिक्षा के प्रसार का समाज पर क्या असर हुआ? तकनीकी परिवर्तन और शिक्षा के प्रसार से समाज की सोई चेतना जाग उठी। अंग्रेजी पढ़ने वालों का रुझान पश्चिमी चीज़ों तथा पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ गया तथा अन्य में अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति लगाव पैदा हो गया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय कौन थे, उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? वैसे पीछे आ चुका है। तो राजा राम मोहन राय बंगाल के समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सामाजिक रीति रिवाजों से नाराज होकर के ब्रह्म समाज की स्थापना की। बंगाल के उभरते मध्य वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा, पर धार्मिक आस्था की दृष्टि से यह सीमित रहा। अगला प्रश्न है, श्री रामकृष्ण परमहंस कौन थे,
उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के धार्मिक व्यक्तित्व वाले संत थे। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। उन्होंने लोगों के बीच हिंदू धर्म और दर्शन का मिलाजुला रूप प्रस्तुत किया। वे सांप्रदायिकता विरोधी तथा सत्य के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के बाद मुसलमानों की क्या स्थिति बन गई? अंग्रेजों ने बाद में उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया? 1857 के गदर के बाद मुसलमान असमंजस की स्थिति में थे कि वे स्वाधीनता के लिए विद्रोह करने वालों का साथ दें या अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने उनके साथ अधिक बर्बर रवैया अपनाया था, इसके बाद संतुलन बनाने के लिए अंग्रेजों ने उनके खिलाफ नरम नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां कौन थे? वे अंग्रेजों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते थे? सर सैयद अहमद खां उत्साही मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों की नीतियों के समर्थक थे। वे मुसलमानों को अंग्रेजों का हितैषी सिद्ध करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रौढ़ावस्था में कैसा नेतृत्व सामने आया? 1885 में स्थापित कांग्रेस जब प्रौढ़ावस्था में आई तो उसके नेतृत्वकर्ताओं में उन लोगों की अधिकता थी जो आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। इनमें निम्न मध्य वर्गीय विद्यार्थी और युवा वर्ग भी था। अब देखिए, थोड़े बड़े प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भारत के लिए नई घटना क्यों थी? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भारत के लिए नई घटना इसलिए थी क्योंकि भारत को पहले भी आक्रमणकारियों ने जीता था, किंतु ये आक्रमणकारी भारतीय सीमाओं में बस गए थे तथा खुद को भारतीय जीवन में शामिल कर लिया। ऐसे में भारत ने गुलाम बना और न अपनी स्वाधीनता खोई। अंग्रेजी शासन में भारत बाहर से नियंत्रित होने वाली व्यवस्था में बंध गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया जिससे कि किसानों से भरपूर लगान तथा कर वसूला जा सके। इसके अलावा उन्होंने राजा सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर के अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की। मालगुजारी और पुलिस दो प्रमुख विभाग थे। राजा राम मोहन राय के बारे में तीसरा क्वेश्चन आ रहा, देखिए भाई अलग अलग हैं तीनों ही। राजा राम मोहन राय कौन थे, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। यहाँ व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, राजा राम मोहन राय बंगाल के महान समाज सुधारक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, उसमें नए एवं पुराने विचारों का मेल था। उन्हें भारतीय दर्शन और विचारधारा का गहरा ज्ञान था। वे संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने लातिनी, यूनानी, चीनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया ताकि पाश्चात्य विचारों को जान सकें। राजा राम मोहन राय के समय में पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ? राजा राम मोहन राय पत्र पत्रिकाओं तथा समाचारों को जन जागृति का उत्तर साधन समझते थे। उनके प्रयास स्वरूप 1818 में अंग्रेजी में समाचार पत्र निकला। उसी साल पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। इसके बाद अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, जो वर्तमान कलकत्ता है, और समाचार पत्र की पत्रिकाएं तेजी से प्रकाशित होने लगी। अगला प्रश्न, तात्या टोपे कौन थे? वे अपने उद्देश्य में क्यों सफल नहीं हो सके? तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के श्रेष्ठ छापामार योद्धा, स्वाभिमानीता तेजस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अंग्रेजों को महीनों परेशान किया। अपनी सेना को कमजोर देखकर वे दक्षिण में नर्मदा नदी पार कर मराठों के पास आए। उन्हें यह आशा थी कि मराठे उनकी मदद करेंगे, पर उनके साथ धोखा हुआ और वे अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती कौन थे? उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? भाई, दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के जाने माने ये समाज सुधारक थे। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। इसका प्रसार पंजाब तथा संयुक्त प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के
हिंदू वर्ग में हुआ। उन्होंने लड़के लड़कियों की शिक्षा में समान प्रसार, स्त्रियों की स्थिति में सुधार तथा दलित जातियों को ऊंचा उठाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। वे अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु थे। सेतु पुल होता है भाई, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। वे बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के ओजस्वी वक्ता थे। भारत को आगे लाने में उन्होंने गहरी लगन की थी। वे उदास और पतित समाज के लिए संजीवनी बन करके आए और 1893 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के भारत का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारकों का नाम उल्लेख करते हुए उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। भाई 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीमती एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक आदि प्रमुख समाज सुधारक थे। इन समाज सुधारकों ने एक ही और ये ना मिस प्रिंट है, इसको छोड़ देना, एक और जनता में, एक और तो आएगा इसमें, जनता में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत की, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, तिलक और गोखले का नेतृत्व कैसा था? तिलक और गोखले कांग्रेस की प्रौढ़ावस्था के नेता थे जिनका स्वभाव आक्रामक था। वे गरम दल के नेता माने जाते थे। उनका विश्वास गांधी जी की तरह निवेदन करके कुछ मांगने की बजाय अपना हक छीन लेने का था। 1907 में हुए संघर्ष में उदार दल वालों की भले ही जीत हुई हो पर भारत की बहुसंख्यक जनता इनके साथ थी। इनकी गतिविधियां हिंसक तथा आक्रामक होती थी। तो विद्यार्थियों, ये जो है हमने इस पाठ के सभी प्रश्न कर लिए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ अगले लेसन के लिए। अपना असीम प्यार मुझे देते रहिए और इनको लिखते रहिए और याद करते रहिए। मैं क्रमवार आपका कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। मेंशन नोट, जिस विद्यार्थी ने सिलेबस नहीं किया है, पुस्तक नहीं पढ़ी, वसंत पुस्तक को नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट ओपन करके वो वसंत पुस्तक भी पढ़ सकता है और भारत की खोज पुस्तक को भी कंप्लीट पढ़ सकता है। इसके बाद हम व्याकरण अनवरत रूप से करवा भी रहे हैं, पीछे करवाया है, और आगे आपको जो शेष रहा व्याकरण है वो भी करवाएंगे। तो आप बने रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।